सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मेरे पास किसी बच्चे की तरफ से आया है। क्वेश्चन ये है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और उसके साथ साथ अर्थ सन को भी रोटेट करती है। तो कोई भी जब हेलीकॉप्टर होता है, अगर मैं हेलीकॉप्टर को एक जगह से टेक ऑफ करवाऊँ ऐसे और हवा में खड़ा कर दूँ, तो हेलीकॉप्टर क्योंकि हवा में है, अर्थ के कॉन्टैक्ट में अब नहीं है, और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। सपोज करो इस हेलीकॉप्टर को मैंने दिल्ली से टेक ऑफ किया और दिल्ली के ऊपरी किसी पॉइंट के ऊपर हवा में मैंने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, और क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो उस हेलीकॉप्टर को कुछ टाइम के बाद अगर मैं लैंड करवाऊँ तो उसको चंडीगढ़, जयपुर, शिमला या किसी दूसरी जगह, दिल्ली की किसी दूसरी जगह के ऊपर ही लैंड होना चाहिए था, बट जब उसको लैंड करवाते हैं तो वापस वो उसी पॉइंट पे लैंड होता है जहाँ से मैंने उसको टेक ऑफ करवाया था। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कि मैंने ऐसे रखा हेलीकॉप्टर एक जगह पर रखा, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही थी, अगर वापस नीचे लेके आऊँगा तो उसी जगह पर वो नहीं आना चाहिए था, किसी दूसरी जगह पर चला जाना चाहिए था। या फिर जब मैं एरोप्लेन में रहता हूँ, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, तो जो डेस्टिनेशन वाला सिटी है उस पे हमारा एरोप्लेन पहुंचता कैसे है, वो आगे पीछे, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से वो जो सिटी है वो आगे पीछे क्यों नहीं निकल जाता, या फिर जो दो सिटीज़ हैं उनके बीच में हमें इतनी लंबी फ्लाइट क्यों करनी पड़ती है, क्या हम अर्थ की डायरेक्शन में, जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो फ्लाइट को हम वेस्ट टू ईस्ट ले जाएँ या ईस्ट टू वेस्ट ले जाएँ, इससे हमारे फ्लाइंग टाइम पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिए क्या होता है। हम फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टर्म पढ़ते हैं और दूसरी टर्म हम पढ़ते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का आप सभी को पता होगा, आपको पता है कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती है, उसको अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं, जिस फोर्स से डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं। ये जो एरोप्लेन वाला या जो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पहले आप उसके बारे में सोचिए। अगर आप उसके बारे में सोच के एक आंसर निकाल लेते हैं तो ये जो फ्लाइट वाला क्वेश्चन है या हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास, ये है, सपोज करो ये एक मूविंग ट्रेन है या कार है, कुछ भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लो। ट्रेन का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ कार की बजाय ट्रेन में ज़्यादा ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा, बड़ी कार होगी तो कार में भी एक्सप्लेन हो जाएगा, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे कोई ट्रॉली है, मूविंग ट्रॉली, आप ट्रॉली में खड़े हो, सबसे बेटर एग्जांपल है। ठीक है, मैं फिर भी ट्रेन ही ले लेता हूँ, ये ट्रेन है, आप ट्रॉली वगैरह कुछ भी मानो, आप यहाँ पे ट्रेन में ये आपकी सीट है, यहाँ पर आप बैठे हो या कॉरिडोर में खड़े हो कहीं पर भी, आपके हाथ में एक बॉल है और बॉल को आप ऐसे फेंक रहे हो, तो वो बॉल, जब आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया तो क्या वो बॉल वापस आपके हाथ में आएगी या पीछे गिर जाएगी, क्योंकि ट्रेन चल रही है, बॉल को आपने हवा में फेंक दिया है ऐसे, ठीक है, और क्योंकि आप अब चल रहे हो तो क्या बॉल आपके हाथ में आएगी, आंसर सोचिए। अब देखो, आप देखोगे, आपने जो भी आंसर सोचा उसका आंसर भी अभी आपको मिल ही जाएगा, आप ये देखोगे कि जो बॉल है वो वापस आपके हाथ में ही आती है। अब इसका आंसर सोचिए आप, आपने तो बॉल को ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, ट्रेन ऐसे जा रही थी, तो बॉल को अगर आपने ऐसे थ्रो कर दिया तो ऐसा थ्रो करने के बाद आप तो ट्रेन के साथ आगे चल पड़े थे और बॉल हवा में थी, तो वापस बॉल आपके हाथ में आई कैसे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे आई आपके हाथ में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक फिजिक्स का प्रिंसिपल भी आप समझ जाएंगे, जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा इलोबरेट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप यहाँ थे, बैठे हुए थे, बॉल आपके हाथ में था, तो बॉल भी उसी स्पीड से मूव कर रहा था जिस स्पीड से आप मूव कर रहे थे,
और आप उस स्पीड से मूव कर रहे थे जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रही थी। मैंने सपोज कर लिया ट्रेन की जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, आपके हाथ में बॉल है तो बॉल की स्पीड और आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो यहाँ ध्यान देना, जब बॉल यहाँ हवा में आती है तो क्या होता है, तो बॉल के पास दो स्पीड हो जाती हैं, एक तो ऑलरेडी उसके पास थी 70 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आपने उसको ऐसे वर्टिकल दे दी, तो बॉल के पास अब दो वेलोसिटी हुई, एक इधर और एक इधर। अब होता ऐसा है कि अगर आप होता ऐसा कि आप ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे हाथ में ये है, अगर इसको मैं ऐसे फेंकूँ तो ये क्या दो डायरेक्शन में जा सकता है? आप सभी को पता है, आप कोई किसी भी पत्थर को लीजिए और पत्थर को ऐसे फेंकिए, जब पत्थर को आप ऐसे फेंकते हैं, पत्थर को ऐसे थ्रो करते हैं तो पत्थर एक पॉइंट को ही हिट करता है जाके, वो कभी भी पत्थर चलता चलता ऐसे नहीं होता, अगर वो एक्सप्लोड नहीं होगा तो। एक्सप्लोजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक सिंगल स्टोन की बात कर रहा हूँ, सिंगल का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर जाएगा तो एक पॉइंट को ही हिट करेगा जाके, ठीक है। वही बॉल के साथ है, अब बॉल के साथ दो वेलोसिटी हो गई हैं, एक वेलोसिटी उसके पास ये है, एक वेलोसिटी ये है, इन दो वेलोसिटी के इफेक्ट में, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज, बॉल क्या करती है, ना तो इस डायरेक्शन में जाती ना इसमें जाती, बॉल एक टू डायमेंशनल मोशन फॉलो करती है, ऐसे एक ऐसा पाथ आएगा और वो फिर ऐसे करके लास्टली वो यहाँ गिर जाएगी, ये बॉल का पाथ रहेगा इस प्रकार से, जैसे आप पत्थर को ऐसे थ्रो करते हो ना, ये वाला पाथ रहेगा। अब देखो क्या होता है, जब आप यहाँ थे तो बॉल आपके हाथ में थी, बॉल को जब आपने थ्रो किया तो क्या हुआ, ट्रेन के साथ आप आगे गए, आप आगे इस पॉइंट पे, तब तक बॉल के पास क्योंकि ये वाली वेलोसिटी है इसकी वजह से बॉल आगे जा रही है और ये वाली वेलोसिटी इसकी वजह से बॉल ऊपर की तरफ उठ रही है, तो जब आप यहाँ हो तो बॉल इस वेलोसिटी से तो ऊपर जा रही है और इस वाली वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है और वो बिल्कुल आपके हेड के ऊपर ही आ जाती है या आपके हाथों के ऊपर ही आती है यहाँ पे। जब आप यहाँ होते हो तो बॉल बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ होती है, आप यहाँ होते हो बॉल यहाँ होती है और अल्टीमेटली वो आपके हाथों में ही आ जाती है। समझ गए इस बात को? अब देखिए, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल भी है। अब हम अर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं। अर्थ इस प्रकार से स्फेरिकल इन शेप हम कंसिडर करते हैं, ये स्फेरिकल इन शेप है, ये नॉर्थ साइड होगी, ये साउथ हुई, ये ईस्ट हुई और ये वेस्ट हुई, और अर्थ का जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट है और ये लगभग 1674 किलोमीटर पर आवर है, राउंड ऑफ करके इसको मैं 1700 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, ओके इतनी स्पीड में मान लेता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ अपनी एक्सिस है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर ही रही है इस स्पीड से, इसके साथ साथ ये सन को भी रोटेट कर रही है और सन के जो रोटेशन की स्पीड है वो नियरली इतना है, नियरली ये स्पीड है जिस स्पीड से सन को रोटेट करती है, ठीक। अब देखो क्या होता है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी भी है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़ होगी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब हमारा जो एटमोसफियर है जो अर्थ को कवर किए हुए है, ऐसे हमारा जो एटमोसफियर है वो एटमोसफियर भी ग्रेविटी इफेक्ट से क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसे हमारा एटमोसफियर, इसीलिए तो हवा अर्थ को छोड़ के बाहर नहीं चली जाती, ग्रेविटी के वजह से ही क्या है कि जो एटमोसफियर है वो बंधा हुआ है अर्थ के साथ, ओके। अब क्योंकि अर्थ इस स्पीड से 1674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और 1,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन को रोटेट कर रही है, तो उसके साथ साथ हमारा जो एटमोसफियर है वो भी इसी स्पीड से चल रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ये अर्थ के साथ बंधा हुआ है। अब आप अपने हेलीकॉप्टर को अगर यहाँ से टेक ऑफ करवाते हो और इस पॉइंट के ऊपर ले आते हो तो हेलीकॉप्टर तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही है ना, और उस हेलीकॉप्टर के पास अब दो वेलोसिटीज भी हैं, कौन सी, एक जब वो अर्थ के ऊपर था तो अर्थ वाली वेलोसिटी दिस वन एंड दिस वन, और दूसरा आप उसको जो भी प्रोवाइड करोगे वो, एक बार सपोज करो कि आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी, आपने सिर्फ वर्टिकल ऐसे लेके आए, तो जब आप उसको वर्टिकल ऐसे लेके आते हो तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, अर्थ वाली वेलोसिटी तो है ना उसके पास, तो जिस वेलोसिटी से अर्थ आगे की तरफ जा रही है
उस दौरान वो हेलीकॉप्टर भी आगे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर भी इस स्पीड से अर्थ के साथ साथ ही चल रहा है। समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझो तो फिर से यहाँ पे आ जाओ कि जिस प्रकार से ट्रेन के साथ आप जा रहे थे, आपकी बोल हवा में थी, हवा में बोल होते हुए भी वो किधर चल रही थी? ट्रेन के साथ साथ ही चल रही थी। तो सिमिलरली जब हेलीकॉप्टर को आप हवा में करते हो या जब आपकी एरोप्लेन है उसको आप हवा में करते हो तो वो क्या होती है? वो अर्थ के साथ साथ ही चलती रहती है उतनी ही स्पीड से। उसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड जितनी अर्थ की है उतनी तो होती ही होती है। उसके अलावा आप उसको कोई स्पीड अपने इंजन से प्रोवाइड करते हो और उसकी वजह से एक सिटी से दूसरी सिटी तक की जो डिस्टेंस है वो आप ट्रेवल करते हो। तो अपेक्षा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के बाद आपका ये जो डाउट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।